मध्य वर्ग को निरंतर ईएमआई और कर्ज का बोझ चुकाना पड़ रहा है, उनको अनेक परेशानियां हैं, और दूसरी तरफ विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉडस्टर्स को राहत दी जा रही है। बैंकों में हमारा आम जनता का पैसा है, हमारे पैसे को कुछ चुने हुए मित्रों और धोखा करने वालों पर न्यौछावर किया जा रहा है। बैंकिंग फ्रॉड मोदी सरकार के समय 17 गुना बढ़े हैं। जैसे कि आपको पता है, मोदी सरकार ने हमेशा बड़े बिजनेस पूंजीपतियों के प्रति पक्षपात करती रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अडानी ग्रुप है, जिसे लेकर हमने हम अडानी हैं कौन सीरीज के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी से अनेक सवाल पूछे, 100 सवाल पूछे, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन जैसे विनीत जी ने आपको अभी बताया, एक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक नई पॉलिसी आई है और उससे पता चला है हमें कि जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों और धोखाधड़ी करने वालों यानी कि विलफुल डिफॉल्टर्स एंड फ्रॉडस्टर्स को एक मुक्ति का रास्ता दिखाया जा रहा है, उनको क्लीन चिट दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। 8 जून 2023 को आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स एंड टेक्निकल राइट ऑफ्स के तहत निर्देश जारी किए। इसमें साफ लिखा है कि बैंक्स एंड अदर रेगुलेटेड एंटिटीज, आई कोट, मे अंडरटेक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स और टेक्निकल राइट ऑफ्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स कैटेगराइज्ड एज विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉड विदाउट प्रेजुडिस टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडरवे। यानी कि इन्हें अब समझौता करने की अनुमति दी गई है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जिनके 6 लाख मेंबर्स हैं, इन्होंने इसका विरोध किया है। और याद रखिए, सिर्फ बैंक्स और उनके एम्प्लॉयज को लॉसेस नहीं झेलने पड़ेंगे, टैक्सपेयर्स और मिडिल क्लास को भी झेलने पड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि डिफॉल्टर्स को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि अगर आज आपको आपके डिफॉल्ट्स को माफ किया जा रहा है तो कल को आपको फिर से मौका मिलेगा, तो आप क्यों नहीं लेंगे और लोन्स, और फिर आगे फिर से डिफॉल्ट होने का चांस है। अब आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जैसे विनीत जी ने कहा कि मिडिल क्लास मध्य वर्ग को निरंतर ईएमआई और कर्ज का बोझ चुकाना पड़ रहा है, उनको अनेक परेशानियां हैं, और दूसरी तरफ विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉडस्टर्स को राहत दी जा रही है, उनको उनके लिए एक समझौता समाधान हो रहा है, तो ये मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है, मिडिल क्लास के खिलाफ है, विलफुल डिफॉल्टर्स के पक्ष में है। अब ये विलफुल डिफॉल्टर्स कौन है? एक लोकसभा में पिछले साल एक क्वेश्चन आया था और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये टॉप 50 लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट है सरकार के अनुसार। इनका कुल ऋण 95,000 करोड़ से ज्यादा है और पहला नाम आता है गीतांजलि जेन्स लिमिटेड, ये है मेहुल भाई चोकसी की कंपनी। तो जैसे कि विनीत जी ने कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी, आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, इस प्रकार के लोगों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब हम जानना चाहते हैं कि 2 साल पहले आरबीआई की पॉलिसी में स्पष्ट था, लिखा हुआ था कि विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉडस्टर्स को शेयर बाजार में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी और फ्रेश लोन्स लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब सरकार ने ये नीति बदल दी है और इनको खुली छूट मिली है फ्रेश लोन्स लेने के लिए। जो पॉलिसी है आरबीआई की पॉलिसी, उसमें साफ लिखा है कि आफ्टर अ 12-month कूलिंग पीरियड दीज डिफॉल्टर्स एंड फ्रॉडस्टर्स विल बी परमिटेड टू रेज फ्रेश लोन्स। तो सवाल उठता है कि क्या भाजपा इन धनी फाइनेंसर्स को अपने फाइनेंशियर्स के क्लब में फिर से शामिल करने की कोशिश कर रही है? ये क्या चुनाव से संबंधित है? मैं आपको
एक दो आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं। फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्ट्स का आर्थिक बोझ है वो इस देश पे भारी पड़ा है। बैंकिंग फ्रॉड्स अब यूपीए के शासनकाल के मुकाबले में बैंकिंग फ्रॉड्स मोदी सरकार के समय 17 गुना बढ़े हैं। 2005 और 14 के बीच बैंकिंग फ्रॉड्स लगभग 35,000 करोड़ थे। 2015 और 23 के बीच ऑलमोस्ट 6,00,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की तो लिस्ट मैं आपको दिखा चुका हूं। अब जो लोन वेवर और राइट ऑफ का सवाल है, कई लोग कहते हैं कि राइट ऑफ एंड वेवर इज नॉट द सेम थिंग, लेकिन अगर आप देखें पिछले 5 साल में 2017 और 2022 के बीच इंडियन बैंक से 10,00,000 करोड़ राइट ऑफ किया है। इसकी रिकवरी रेट कितनी है? 13%, यानी कि हर 8 रुपए में से सिर्फ 1 रुपया वापस आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट वेवर समझ लीजिए। अगर ढंग का की रिकवरी हो रही होती तो कह सकते थे कि वेवर के बराबर नहीं है, लेकिन आंकड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि 8 रुपए में से सिर्फ 1 वापस आ रहा है। क्या मिडिल क्लास और आम आदमी की जो ऋण है, जिसका कर्ज है, उसमें उसको अनुमति दी जा रही है कि 8 रुपए में से बस 1 रुपया लौटाकर आपको मुक्ति प्राप्त हो जाए? ये तो नहीं हो रहा। तो अंत में बस ये कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार की नीति और नियत साफ दिखाई दे रही है। मध्य वर्ग और आम आदमी को ऋण और कर्ज का बोझ झेलना पड़ रहा है और भगौड़ों, विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉडस्टर्स को समाधान समझौता दिया जा रहा है और उनके लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। मोदी जी के कार्यकाल में एनपीए 365% बढ़ा है, 10,00,000 करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते में डाली गई, टू बी प्रिसाइज 10,09,510 करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते में डाली गई, जिसमें से केवल 13% कर्ज वसूली हुई। खास बात यह है कि जानबूझकर ऋण चुकता नहीं करने के मामले जो यूपीए सरकार के समय में 23,000 करोड़ थे, वो आज 2,40,000 करोड़ पहुंच गए हैं। ये सीधा सीधा प्रमोशन देने वाली बात है, ये सीधा सीधा नीति की बात है, जिससे विलफुल डिफॉल्टर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो धोखा कर रहे हैं हमारे पैसे के साथ, बैंकों में हमारा आम जनता का पैसा है, हमारे पैसे को कुछ चुने हुए मित्रों और धोखा करने वालों पर न्योछावर किया जा रहा है। ये जो हमारा पैसा जो बैंकों में जमा है उसको लूट के जाने वालों पर मोदी सरकार इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रही है, मोदी सरकार उन पर इतनी मेहरबान क्यों है, ये सवाल देश की जनता आज मोदी जी से पूछ रही है।